हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाणिक स्मार्ट क्लास। मैं हूं ज्योति प्रकाश राउतराय और इस प्रोफेशन में आते आते लगभग 7 साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। अभी फिलहाल हम बैंकिंग अवेयरनेस ही पढ़ने वाले। हेलो एवरीवन, Today, we will discuss about one of the most important topic of banking exam, that is CA, that is general awareness. अब general awareness basically ये जो particular part है banking exam में, ये carry करता है 40 से 50 marks, और वो भी कौन से exam में? मेंस एग्जाम में। अब प्रीलिम एग्जाम में ये नहीं आता, प्रीलिम में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन इसको आपको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्री और मेन के बीच में भाई 10-15 दिन का ही गैप रहता है। अब अगर इसका डेप्थ तुम जानोगे, 10-15 दिन के अंदर ये कंप्लीट नहीं होने वाला, कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो आप बेसिकली इस एग्जाम में जाओगे, इस बेसिस पे अगर तुम्हारा प्रिपरेशन हुआ होगा, तो डेफिनेटली आप क्या करने जा रहे हो? तुक्का ही मारने जा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई इतना पढ़ लिया, 6 महीने का करंट अफेयर्स, 6 महीने का सारा चीज, इतने सारे चीज हमने 10-15 दिन के अंदर सारा पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन ज्यादा ही होगा। तो पहले से ही आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फोकस देना पड़ेगा। अगर इस सब्जेक्ट के पास आते हैं, तो ये सब्जेक्ट बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा गया है। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग जीके। अब बैंकिंग जीके कुछ नहीं, ये बेसिकली जो स्टैटिक चीजें हैं हम उसी के अंदर रखते हैं, जैसे कि कंट्री कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क, पावर प्लांट्स वगैरह। करंट अफेयर्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स मैगजीन्स या फिर बुक्स, ऑथर्स, जो भी रीसेंट घटनाएं घटी है, उन सारे चीजों के बारे में एटलीस्ट हमें याद रखना पड़ेगा। कितने महीने का? 6 महीने का। अब कुछ एग्जाम में इससे कम पोर्शन भी आते हैं, कुछ में ज्यादा आते हैं, बट बेसिक के लिए हम 6 महीना चलेंगे। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी हम करीबन 10 से 15 चैप्टर कवर करेंगे, जैसे कि नेशनल इनकम, बजट, पीएसएल और लोस। वैसे बैंकिंग अवेयरनेस में भी लगभग हम 20 से 25 चैप्टर्स कवर अप करेंगे, जैसे कि बैंक का फंक्शन क्या है, बैंक करता क्या है, देन बैंक का भाग्य विधाता पिताजी आरबीआई के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ये किसके? बैंकिंग अवेयरनेस में जाएगा। अब थोड़ा माथा चकराने लगा होगा, कैसे भाई, ये इतना चीज हो गया, ये भी इतना आ गया, ये भी 6 महीने का, ये पूरा कच्चा चिट्ठा रट्टा मारना पड़ेगा, सिर्फ कितने मार्क्स के लिए? 40-50 मार्क्स, वो भी मेन में। अब भाई साहब, अगर ये सोच तुमने रख लिया कि भाई इतना पढ़ के 40-50 मार्क के लिए कौन पढ़ता है, छोड़ देते हैं, जॉब नहीं होगा। पहले अब क्या बड़बड़ा रहा है ये सोचोगे, लेकिन बाद में जब खुद रियलाइज करोगे, तब एटलीस्ट अपना
एक साल छः महीना या ऐसा कुछ खराब कर चुके होगे ऑलरेडी या बर्बाद कर चुके होगे ऑलरेडी। तो पहले से अगर मानोगे तो फर्स्ट से ही आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत ध्यान देते रहोगे, सो दैट ऐसी सिचुएशन ना आए। ठीक, अब पढ़ोगे कैसे, हेल्प करेगा कौन, हमने तो बस बता दिया कि ये होता ये है, इस जगह पर आता है, और एक जगह हम छोड़ भी दिए यहां पे कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। अब आप बैंकिंग एग्जाम ही दे रहे हो ना, अब बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो और बैंकिंग अवेयरनेस किस में आता है, जीए में ही, तो यही सब्जेक्ट आपको किस में मदद करेगा, इंटरव्यू में भी इसके सारे चीजें आपको पूछी जाएंगी, जो कि इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स कैरी करता है। सो उसमें भी आप किसकी हेल्प लोगे, जीए का ही हेल्प लोगे। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है, इसमें बहुत सारे चीजें ऐसे भी है जो आप बैंक में जाने के बाद भी आपको हेल्प करेगा। जैसे कि मान लो पेमेंट सिस्टम एक चैप्टर हम पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस में, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर पढ़ेंगे हम। अब चेक, डिमांड ड्राफ्ट, भीम, UPI, NPA, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम बेसिकली यूज तो करते हैं बट पता नहीं है हमें, कॉमन मैन भी ये लैंग्वेज सब यूज करता है बट हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि एक बैंकर को जानना बहुत ही जरूरी है बैंक से दाखिला लेने से पहले। सो कहां से पढ़ेंगे, सोच में पड़ गए हो, है कि नहीं, मेरी मान लो आप सही जगह पर आए हो। हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट आवर बैंकिंग अवेयरनेस सिलेबस एंड द फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। सो पहले हम समझेंगे कि एक बैंक होता क्या है। अब बैंक कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलते हैं। अब नॉर्मली हम जहां पे जाते हैं किसी भी बैंक में क्या काम करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, या फिर पैसे की जरूरत हो विड्रॉ करने जाते हैं, या कर्जा लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, या फिर किसी को पैसे भेजने हैं, या फिर किसी से पैसे लाने हैं तो बैंक की मदद लेते हैं। तो ऐसे ही बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है बैंक, दैट इज विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा गया है बैंक को यहां पे, क्योंकि भाई पैसे से मतलब रखता है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ ना। अब नेक्स्ट चलेंगे बैंकिंग क्या होता है ना, जैसे कि यहां पे हमारा लिखा हुआ है बैंकिंग इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग कस्टमर डिपॉजिट्स, लेंडिंग टू द पब्लिक एंड अदर फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज। अब ये हमारा एक प्रॉपर डेफिनेशन है बैंकिंग का, जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब इसे अच्छे से याद रख लेना कि बैंकिंग का डेफिनेशन प्रॉपरली कहां पे डिफाइन हुआ है, सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि एक बैंक करता क्या है बेसिकली, जो कि ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत ऐसे ही डिस्कस कर चुके हैं, अब डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज, एक बैंक करता क्या है, फर्स्ट रोल जो हम प्ले करते हैं बैंक के लिए, क्या बोले हम कि हम बैंक क्यों जाते हैं,
हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली भाई साहब ये हमारा सेविंग्स हैबिट को बढ़ाता है। अगर जिनके पास पैसे ना हो उनके पास बैंक कहां से पैसे लाके देगा? कहां से लाके देगा? जो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है उन्हीं लोगों से ही पैसा डिपॉजिट के तौर पे बैंक लेता है, उनका सेविंग्स हैबिट बढ़ाता है, और जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें लोन के तौर पे पैसे प्रोवाइड करता है। तो ये पहला चीज जो बैंक परफॉर्म करता है। अब उसी हिसाब से दूसरा चीज भी हो गया कि भाई एक बैंक यहां पे किसका काम किया है? इंटरमीडियरी का काम किया है। इंटरमीडियरी बिटवीन वन पर्सन हु सीक्स फॉर मनी एंड वन पर्सन हु सेव्स मनी। अब बैंक नहीं होता तो ये कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करने वाला बंदा ही नहीं होता, तो ये भी एक बेसिक अच्छा रोल प्ले करता है बैंक। अब तीसरे चीज पे आएंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ये हेल्प करता है थ्रू वेरियस पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स मेथड्स के द्वारा। जैसे कि हम चेक पेमेंट वगैरह करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, आज के डेट पे तो आप सब जानते ही होंगे फोन पे, गूगल पे, ये सब छाया हुआ है मार्केट पे, पेटीएम, तो ये सब कौन करवाता है? बैंक के थ्रू ही होता है। चौथा चीज अगर आएंगे तो ये लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को वेरियस टर्म्स के लिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों या मीडियम टर्म पर्पस के लिए भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। किन्हें? बिजनेस पर्सनालिटीज को। ऐसा नहीं है कि भाई बैंक सिर्फ बिजनेस करने वालों को ही लोन देता है। अगर हम यहां पे आ जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि गाड़ी खरीदने के लिए हो, टीवी खरीदने के लिए हो, या बेसिक कोई हमारा जरूरती सामान हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो, उन सारी चीजों के लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है। या फिर जो लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, या जो लोग अपना खुद का थोड़ा बहुत खुद से बिजनेस क्रिएट करवाना चाहते हैं, उन्हें भी लोन प्रोवाइड करता है, जिसे हम कौन सा लोन बोलते हैं? स्टार्टअप्स लोन बोलते हैं, या फिर एमएसएमईज लोन, जो कि आज के डेट पे कोरोना काल में हमारा फेमस है एमएसएमई लोन्स, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट डिक्लेरेशन जो आया है ज्यादातर पैसा एमएसएमई सेक्टर को ही बढ़ावा देने के लिए ही आया है, आरबीआई की तरफ से बहुत सारे छूट दिए गए हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीसरा आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी हेल्प करता है, और ये बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करता है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुआ? अभी यहां पे क्या पढ़े, बिजनेसमैन को भी पैसा देता है, छोटे मोटे लोगों को भी पैसा देता है, जरूरतमंदों को भी पैसा देता है, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो थोड़ा बड़े हैं और भी बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें भी हेल्प करता है। सो ओवरऑली वो बैलेंसली इकोनॉमी को ग्रो करवाने की कोशिश करता है। बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए भी हमें हेल्प करता है। अब अगर सामान खरीदेंगे तो पेमेंट रिसीप्ट, ये ऑलरेडी हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए भी हेल्प करेगा, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज के लिए भी हमें बैंक की हेल्प डेफिनेटली जरूरत है। अब आते हैं बैंक के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो बैंक का जो भी फंक्शन होता है बेसिकली इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है।
पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। पहले आते हैं प्राइमरी फंक्शन पे। अब एज अ बैंक, पहले पहले या बेसिकली बैंक को बनाया क्यों गया था? तो पहला काम जो बैंक करता है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब जो भी पैसा हम कस्टमर लोग बैंक में जमा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में, पहला काम बैंक का वही होता है, उन्हें एक्सेप्ट करना। दूसरा चीज क्या होता है? ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब अब हर किसी के पास पैसे थोड़ी ना होता है, अब जिसको पैसे की जरूरत हो, बैंक उन जरूरतमंदों को लोन के तौर पे पैसे प्रोवाइड करता है। अब डिटेल में लोन क्या होता है, एडवांस क्या होता है, या फिर डिपॉजिट का सेगमेंटेशन हम बाद वाले चैप्टर्स में समझेंगे। अब सेकेंडरी फंक्शंस में अगर आए तो पहला फंक्शन हमने क्या लिखा है? सेफ कीपर ऑफ कस्टमर वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स तो समझ रहे होंगे, मतलब सामान। अब लोगों की या कस्टमर्स की सामानों की रखवाली करता है कौन? बैंक। कैसे भला? कैसे? लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड जो करता है बैंक। क्या करते हैं हम? जो ऑर्नामेंट्स है या जो जरूरतमंद फाइल्स है वो सब हम कहां पे? बैंक के लॉकर में जमा रखते हैं। सो ये काम सेकेंडरी फंक्शंस में आता है बैंक के। अब अगर दूसरे फंक्शन में जाए तो प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद फैसिलिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स। अब फॉरेन करेंसी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, या मान लो आपको यूएसए जाना है, अब हमारी करेंसी क्या है? इंडियन रुपीस। और यूएसए की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। अब हम अगर यूएसए जाएंगे इंडियन करेंसी लेकर साथ में, वहां पे थोड़ी ना कोई एक्सेप्ट करेगा, तो हमें यहीं से ही कुछ ना कुछ यूएस डॉलर साथ में लेके जाना चाहिए, है ना? तो ये एक्सचेंज फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, या फिर वन ब्रांच बैंक ब्रांच टू अनदर बैंक ब्रांच। अब ये तो सब नॉर्मली परफॉर्म करते ही होंगे किसी को पैसे भेजने के लिए। गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मशीनरीज व्हीकल्स एक्सेट्रा। अब देखिए होता क्या है, कुछ कुछ केसेस पे जब हम कहीं से एक बड़ा सा कोई चीज खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी से या किसी दुकानदार से, लेकिन बैंक वो दुकानदार हम पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, पहचानता नहीं है, या ऐसा कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसे वो रोक रहा है, जिस क्या करने के लिए उसे हमें सामान बेचने के लिए। अब वो चाहता है कि भाई तुम्हें अगर कोई गारंटी दे दे के हाँ ये बंदा सही है, इसे तुम दो, उसकी गारंटी मैं लेता हूं, होता है ना ऐसा। तो बैंक भी ऐसे गारंटर के तौर पे भी काम करता रहता है। कलेक्टिंग एंड सप्लाइंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब बैंक मीडिएटर का भी काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के प्रोसेस में। प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम बेसिकली बैंक में लोन अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई तो हमने कर लिया, बैंक
हम अच्छे हैं या नहीं हैं बैंक को कैसे पता? वो अपनी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा। कैसे चेक करेगा ना? वो दूसरे बैंकों से पूछेगा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं जो कस्टमर्स को क्रेडिट स्कोर्स प्रोवाइड करती है, वो भी चेक करेगा। अब इस वजह से ये पॉइंट भी या ये फंक्शन भी वो काम आता है। प्रोवाइडिंग कंज्यूमर्स फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ लोन्स ऑन इजी टर्म्स फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर्स एसेट्रा। अब ये तो जानते ही हैं हम, बैंक ये सब सामान या कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान खरीदने के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड करता है, थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पारा बैंकिंग एक्टिविटीज। कबूतर बैंकिंग एक्टिविटी करे तो ना, वो नहीं। पारा बैंकिंग मींस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग इज नोन एज पारा बैंकिंग एक्टिविटी। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट क्या है? अब देखिए, पहले ही हमने बताया कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना। यहां पे थोड़ा बहुत बता दिए कि कस्टमर के सामान को सिक्योरली रखता है, कस्टमर को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पैसे भिजवाता है, गारंटर के तौर पे काम करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, लोन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है। बट ये सब लगभग बैंक का ही काम है, इर्द गिर्द फाइनेंस काइंड ऑफ थिंग में घूम रहा है। बट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग, जिसे कि हम यहां पे पारा बैंकिंग का नाम दे रहे हैं, वो क्या चीज है? इंश्योरेंस। बैंक का बेसिक काम है? नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां अलग है, वो दूसरे कैटेगरी में आता है। बट अगर एक बैंक इंश्योरेंस बेचता है अपने ब्रांच में, तो वो कौन सा एक्टिविटी है? पारा बैंकिंग एक्टिविटी। या फिर बैंक म्यूचुअल फंड बेचता है, तो वो भी किस में गिना जाएगा? पारा बैंकिंग एक्टिविटीज में। या सिंपली ये बोल सकते हैं कि बैंक अपने बेसिक एक्टिविटीज से हटकर दूसरा कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को अपने ब्रांच में बेच रहा है, दैट इज पारा बैंकिंग एक्टिविटी। क्लियर? और एक चीज, इंश्योरेंस बेचे तो क्या बताए? पारा बैंकिंग एक्टिविटी। म्यूचुअल फंड बेचे तो भी पारा बैंकिंग एक्टिविटी, या दूसरा कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचे तो पारा बैंकिंग। लेकिन अगर एक बैंक इंश्योरेंस बेचता है अपने ब्रांच में, उसे एक स्पेशल टर्म दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैंक एश्योरेंस। व्हेन अ बैंक सेल्स इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर्स, देन दैट इज नोन एज बैंक एश्योरेंस। क्लियर? अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स में। अब ऑलरेडी हम बता चुके थे कि माई बाप कौन है बैंकिंग इंडस्ट्री का? आरबीआई। जो ये डिसीजन लेता है, सारे बैंकों को माननी पड़ती है इंडिया में। अब आरबीआई के अंडर में बैंक को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक शेड्यूल्ड बैंक्स, दूसरे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंकों को भी
कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंकों को पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, आरआरबी, डेवलपमेंट बैंक में बांटा गया है। वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड पीसीएस तीन हिस्सों में बांटा गया है। अब डिटेल में समझते हैं। पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता क्या है? अब जो पर्टिकुलर बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है, उस पर्टिकुलर बैंक को ही हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस पर्टिकुलर बैंक का एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिजर्व्स मिलाकर मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 लाख या उससे ज्यादा रहनी चाहिए। तीसरा चीज, आरबीआई ने दूसरे जो भी गाइडलाइंस उनके लिए रखेंगे, आरबीआई अपना गाइडलाइंस बार बार चेंज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, सो जो भी आरबीआई गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन टाइम, ये बैंक्स सारे उसे फॉलो करेंगे। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो भी बैंक सेटिस्फाई करता होगा उस पर्टिकुलर बैंक को हम कौन सा बैंक कहेंगे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को हर हफ्ते आरबीआई को अपना सारा डिटेल्स भेजना पड़ता है, ये चीज अच्छे से याद रखना। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने से बैंक को फायदा क्या है? फायदा क्या है? अब जैसे हमें जरूरत पड़ती है लोन लेने की, पैसे जब नहीं होती है, वैसे ही अगर बैंक को ऐसी प्रॉब्लम आई कि बैंक के पास पैसे नहीं है, वो चाहता है आरबीआई से लोन लेना, तो अगर वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो ही जाके वो लोन ले सकता है। इज दैट क्लियर? दैट देख लीजिए क्या लिखा गया है। सच बैंक्स बिकम एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग डेब्ट्स लोन्स ऑन बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सच बैंक्स ऑटोमेटिकली एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को ऑटोमेटिकली मेंबरशिप मिल जाती है क्लियरिंग हाउस में। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या है, अब थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूँ, बाद वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो क्लियरिंग हाउस वो जगह है जहाँ पे तरह तरह के बिल्स, चेक्स काइंड ऑफ थिंग क्लियर होते हैं बिटवीन बैंक्स, समझे? मतलब मान लो आपने एक बंदे को चेक दिया, आपका बैंक से SBI नयापल्ली भुवनेश्वर ब्रांच है, और आपने जिस पर्टिकुलर बंदे को चेक दिया है उसका ब्रांच मान लो के यूनियन बैंक सुंदरगढ़ ब्रांच है, तो इतना डिफरेंट डिस्टेंस कवर अप करके चेक को क्या भेजा जाएगा? नहीं, ये होता क्या है ना, ये क्लियरिंग हाउस के जरिए क्या कर दिया जाता है, सेटलमेंट कर दिया जाता है। क्लियरिंग हाउस वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकों के बीच में ये बिल्स, चेक्स वगैरह का सेटलमेंट करवाता है या क्लियर करता है, इसीलिए ही उसका नाम क्लियरिंग हाउस रखा गया है। नेक्स्ट क्या फायदा मिलता है? सच बैंक्स ऑल्सो गेट द फैसिलिटी ऑफ री डिस्काउंट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स फ्रॉम आरबीआई। अब ये क्या है, री डिस्काउंट फर्स्ट क्लास एक्सचेंज फ्रॉम बिल्स फ्रॉम आरबीआई? अब आरबीआई तरह तरह के बिल्स या तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बेचता रहता है फ्रॉम टाइम टू मैनेज द मनी सप्लाई। अब खरीदते कौन है? बैंक्स खरीदते हैं,
जब उनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो अपना पैसा किसी ना किसी तरीके से सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी उनके लिए एक ऑप्शन है कि आरबीआई जब बेच रहा है इंस्ट्रूमेंट्स या बिल्स, बैंक्स खरीद लिए, बैंक जब ज़रूरत पड़े तब पैसे उसे रीडिस्काउंट करके भी वापस ले सकते हैं आरबीआई से। कौन से बैंक ले सकते हैं? अगर वो बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो ठीक। तो ये तीन फैसिलिटी मिलती है किसे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। पहला क्या बताया ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही आरबीआई से लोन ले सकता है। दूसरा, ऑटोमेटिकली उसे क्लियरिंग हाउस में मेंबरशिप भी मिल जाती है। तीसरा क्या, जो भी बिल्स या इंस्ट्रूमेंट्स बैंकों ने आरबीआई से पहले से खरीदा है वो चाहे तो रीडिस्काउंट या वापस करके अपना पैसा ले भी सकते हैं जब जरूरत पड़े तो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को डिफरेंट कैटेगरी में अगेन डिवाइड किया गया है। पहला आता है अपना पब्लिक सेक्टर बैंक। अब थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले से ही आपको होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक है क्या चीज ना, जिस पर्टिकुलर बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसी बैंक को क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। अगर प्रॉपर स्पेसिफाई करें तो 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो फिर उसे एक पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। और अभी फिलहाल इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स मौजूद है? आफ्टर द रीसेंट मर्जर 12 PSBs आर करेंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया। मर्जर का बात हम एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स के चैप्टर में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट कौन सा बैंक है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है ना, जिस पर्टिकुलर बैंक में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 50% से कम है। 50% इसलिए मैंने यहां पे बताया कि मान लो 50% गवर्नमेंट के पास है और बाकी के 50% प्राइवेट ओनर के पास है। अब 50-50 हो गया ना, डिसीजन मेकिंग पावर किसी के पास रहा ही नहीं। सो दैट इज व्हाई प्राइवेट सेक्टर बैंक हम किसे कहेंगे ना, जिस बैंक में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग लेस देन 50% है, या अदरवाइज ऐसे कह सकते हैं बैंक्स विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट बॉडीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, उस बैंक को हम क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फॉरेन बैंक्स किसे कहेंगे ना, जिस पर्टिकुलर बैंक का ब्रांचेस इंडिया में मौजूद है लेकिन हेडक्वार्टर इनका इंडिया में नहीं है। एग्जाम्पल ले लो यहां पे सिटी बैंक, ये यूएसए का बैंक है, हेडक्वार्टर यहां इसका यूएसए में मौजूद है लेकिन इसके ब्रांचेस इंडिया में देखे जाते हैं। सो ये कौन से बैंकों में गिना जाएगा? फॉरेन बैंक में। बैंक जिसका ब्रांच इंडिया में है लेकिन हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर में है। कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है ये जानने से पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है पहले जानते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है ना, जैसे कि आप पहले से जानते ही होंगे कि पहले हमारे देश में जमींदारी सिस्टम चलता था। अब जमींदार होते बहुत खुरापाते दिमाग वाले क्रुकेड इंसान, क्या करते थे वो ना, वो
फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करते थे उनके ज़मीन को गिरवी रख के, लेकिन कुछ ना कुछ वो कायदा करके वो ज़मीन अपने कब्जे में कर लेते हैं और लोन जैसे का था वैसे ही प्लस साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ता जाता था, जो कि एक फार्मर बेसिकली क्या नहीं कर पाता था, रिटर्न नहीं कर पाता था। तो इसलिए वो तंग आ चुके थे लोग किससे, जमींदारों से। तो वैसे ही कुछ लोग थे जो ये सोचे कि भाई एक काम करते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं और जितने भी हम मेंबर रहेंगे हम सब मिलकर कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और एक फंड बनाएंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल 10 लोग थे, 10 लोगों ने यह सोचा ग्रुप बनाने का। अब इन लोगों ने पैसे इकट्ठा कितने किए, 10,000। अब ये 10,000 का होगा क्या, नहीं, ये जो 10 लोगों ने ये ग्रुप बनाया है, पैसे जोड़ के ये 10,000 का फंड बनाया है, इन 10 लोगों में से जिसका भी जब भी जरूरत पड़ेगा पैसा, इसी 10,000 से ही उन्हें लोन दिया जाएगा और कम इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, जो कि जमींदारी सिस्टम को थोड़ा इफेक्ट तो करेगा ऑब्वियसली, लेकिन इन लोगों को हेल्प पहुंचाएगा डेफिनेटली, है ना। तो ये सिस्टम या ये ग्रुप या ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये धीरे धीरे और ज्यादा फैलने लगे। और जब बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए या रूरल एरिया में या अनप्रिविलेज्ड एरिया में बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाने की जब गवर्नमेंट ने सोचा, तो गवर्नमेंट ने इन्हीं कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियों को ही क्या किया, कोऑपरेटिव बैंक बना दिया। सो आफ्टर गेटिंग बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई और गवर्नमेंट, दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेर कन्वर्टेड इनटू कोऑपरेटिव बैंक्स। और वो काम किस लिए करते हैं, मेंबर्स कोऑपरेट विथ ईच अदर टू प्रमोट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, है ना, यही समझाया अभी आप ठीक। अब कोऑपरेटिव बैंकों को भी जैसे कि पहले हमने बताया डायग्राम में आते हैं वहां पे, तो यहां पे हमने कोऑपरेटिव बैंकों को तीन हिस्सों में बांटा था, है ना, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव बैंक ही खुद एक स्टेट बाउंड्री में लिमिटेड है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर लिमिटेड विद इन द स्टेट बाउंड्री, मतलब एक कोऑपरेटिव बैंक अगर एक स्टेट में मौजूद है, मान लो उड़ीसा में कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बंगाल में मौजूद है, तो इसका ब्रांचेस दूसरे किसी स्टेट में नहीं दिखने वाला, रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब तो ये तीनों कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहां पे मौजूद होने वाले हैं, विद इन द स्टेट बाउंड्री ही। सो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक इनमें से कौन है, ना, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और इसका मैक्सिमम बाउंड्री क्या है, स्टेट बाउंड्री। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इसे अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव या DCCB अदर्स इन शॉर्ट, ठीक। तो नाम से अब समझ में आ जा रहा होगा कि भाई इसका मैक्सिमम बाउंड्री कहां पे है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि दो डिस्ट्रिक्ट पहले एक साथ थे, अभी क्या हो चुके हैं, डिवीजन हो चुका होगा, बट ये बैंक उन दोनों स्टेट को लेकर ही मौजूद है। तो नाम होगा फॉर एग्जाम्पल कटक सेंट्रल कोऑपरेटिव। अब कटक पहले बहुत बड़ा एरिया कवरअप होता था, अनडिवाइडेड कटक जिसे हम बोलते हैं, लेकिन अभी कटक से 3-4 और डिस्ट्रिक्ट्स भी बन चुके हैं, लेकिन
ये कटक जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है या कटक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो उन चारों पांचों स्टेटों में भी मौजूद है, तो ऐसा एक्सेप्शन आपको दिख सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज या इन शॉर्ट इन्हें हम PCS भी कह सकते हैं या अदरवाइज इन्हें PACS या पैक्स भी कहा जाता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर विलेज के में लिमिटेड हो सकते हैं, पर्टिकुलर पंचायत या पर्टिकुलर ब्लॉक या पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, छोटा सा एरिया। जो समितियां होती है बेसिकली जो हमारे लिमिटेड वगैरह जो लिखा जाता है तो वो ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर से वहां पे। तो अब आते हैं RRBO के पास। अब RRB क्या है ना, RRBs आर बेसिकली स्टार्टेड फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग द रूरल एरिया और टू फाइनेंस द रूरल एरियाज, उसी पर्पज के साथ ही किसे बनाया गया है, RRBO को बनाया गया है। सो RRB का एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि हर एक RRB में याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% का इन्वेस्टमेंट है और एक पब्लिक सेक्टर बैंक का 35% का इन्वेस्टमेंट है। तो कोई भी RRB आप उठा लो, हरेक RRB का स्ट्रक्चर यही रहने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% इन्वेस्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, पब्लिक सेक्टर बैंक का 35%। हरेक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, वो पब्लिक सेक्टर बैंक जो इस पर्टिकुलर RRB को डेवलप होने के लिए या स्टार्ट होने के लिए मदद की है, उस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक का 35%। अब RRB एज लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स एक स्टेट बाउंड्री के अंदर ही लिमिटेड होते हैं, मतलब जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि कोऑपरेटिव बैंक एक स्टेट बाउंड्री में लिमिटेड होते हैं, वैसे ही RRB भी स्टेट बाउंड्री में भी में या स्टेट बाउंड्री के अंदर ही लिमिटेड है। मतलब उड़ीसा में है तो उड़ीसा के बाहर इस पर्टिकुलर RRB का ब्रांच नहीं दिखने वाला, क्लियर। अब देखते हैं डेवलपमेंट बैंक्स क्या है ना, जो पर्टिकुलर बैंक को एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर लोगों को डेवलप करने के लिए ही स्टार्ट किया गया है, उस पर्टिकुलर बैंक को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल बैंक। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि NABARD क्या करता है, NABARD रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग करता है, तो लिमिटेड हो गया रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग। NHB या नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करता है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है सिर्फ, दूसरा कोई लोन के साथ इसका लेना देना कुछ है ही नहीं। और एक एग्जांपल अगर ले, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर्पस के लिए ही लोन प्रोवाइड करता है, ठीक। अब इन्हें ही बेसिकली कहा जाता है कौन सा बैंक, डेवलपमेंटल बैंक। अब कईयों के दिमाग में अभी यह भी आ रहा होगा कि सर आपने RRB भी बताया रूरल एरिया का डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंटल बैंक भी बताया वही एरिया का डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्री के लिए, तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे लाएं,
अब देखो, आरआरबी वो बैंक है जो बेसिकली पब्लिक के साथ डील करता है। डेवलपमेंटल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता। मतलब ये जो डेवलपमेंटल बैंक्स है, ये लोन प्रोवाइड करते हैं इन सारे बैंकों को, और ये सारे बैंक लोन किसे देते हैं? पब्लिक को देते हैं। समझे अब डिफरेंस? अच्छा चलो, अब आते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की। और अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या बताए थे कि जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड हो, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हो, कैपिटल एंड रिजर्व मिला के उस पर्टिकुलर बैंक का कितना मिनिमम होना चाहिए? 5 लाख या उससे ज्यादा रहनी चाहिए। अब ये नॉन शेड्यूल बैंक क्या है ना, जो पर्टिकुलर बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर्टिकुलर बैंक को हम क्या कहेंगे? नॉन शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक में क्या बताए थे, अगर एक बैंक शेड्यूल बैंक होता है तो उसे 3 हेल्प मिलती है आरबीआई की तरफ से, समझाए थे लोन वगैरह का। तो डेफिनेटली इसे कोई परेशानी होने वाली है। कैसी परेशानी ना, ये पर्टिकुलर बैंक डे टू डे जनरल एक्टिविटीज के लिए लोन नहीं ले सकते। मतलब अगर इसे इन शॉर्ट कहें, ये बैंक्स आरबीआई से वर्किंग कैपिटल लोन्स जनरली नहीं ले सकते। लेकिन अगर वैसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आरबीआई इन बैंकों को बचाने के लिए ऐसे काइंड ऑफ लोन्स दे सकता है।